नमस्कार। MVT का इस सेशन में हम लोग बात करेंगे ब्लास्टिंग के ऊपर। ब्लास्टिंग का हम लोग केवल थोड़ा सा ही जानकारी इस ब्लास्टिंग सेशंस में जानेंगे। ब्लास्टिंग के डिटेल जानकारी के लिए जो लोग ब्लास्टिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनका डिफरेंट सेशन में अलग से हमारा प्रोग्राम होता है। उस प्रोग्राम में हम लोग बात करते हैं, हम लोग उसमें जानते हैं। आइए हम जानते हैं इंट्रोडक्टरी ब्लास्टिंग, ब्लास्टिंग के बारे में जो सभी को, जितना लोग हम लोग माइंस में काम कर रहे हैं, सबको जो प्राथमिक जानकारी चाहिए उसके ऊपर बात करेंगे। आज हम रथिन विश्वास, असिस्टेंट जनरल मैनेजर माइनिंग, RMD ट्रेनिंग सेंटर किरीबुरु, रॉ मटेरियल डिवीजन सेल में कर्मरत हूँ, वोकेशनल ट्रेनिंग ऑफिसर के हिसाब से। हम लोग अभी बात करते हैं ब्लास्टिंग के ऊपर। आप जानते हैं ब्लास्टिंग माइंस के लिए अति आवश्यक है। हमारा प्रोडक्शन लार्ज स्केल करने के लिए ब्लास्टिंग एक अति आवश्यक ऑपरेशन है। ब्लास्टिंग के साथ साथ जब ये हमारा आवश्यकता है, हम लोग नेचर के विरोध में ब्लास्टिंग करके जो काम करते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं बहुत सारे खतरा पैदा होता है। साथ साथ इसमें एक आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो धुआं उड़ रहा है, ये धुआं कभी कभी खतरा हो सकता है। सबसे ज्यादा खतरा ये जो फ्लाई रॉक है, ये जो छोटे छोटे पत्थर उछल रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लाई रॉक। इस फ्लाई रॉक लोगों को इंज्योर कर सकते हैं, लोगों को जान ले सकते हैं। इस इंजुरी से बचने के लिए हम लोग कैसे काम करेंगे उसके ऊपर हम लोग अभी जानकारी रखेंगे। हमारा प्रॉपर्टी भी डैमेज होता है तो हम लोग अभी जानेंगे हम लोग आदमी का इंज्योर होने से कैसे बच सकते हैं, हमारा प्रॉपर्टी डैमेज से कैसे बच सकते हैं। ब्लास्टिंग एक्टिविटीज जो है, ये गवर्नमेंट का जो डिफरेंट रेगुलेशंस है, रूल्स है, उसके अनुसार केयरफुली किया जाता है। एक्सप्लोसिव ओपन मार्केट में बिकते नहीं हैं, ये लाइसेंस मटेरियल है। आप एक्सप्लोसिव्स लेकर के जहाँ तहाँ आप स्टोर भी नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमारा मैगजीन है, उस मैगजीन में ही रखना पड़ेगा। हमारा डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्लोसिव जो है, उसके प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। इंडस्ट्री में, माइनिंग में जो हम लोग एक्सप्लोसिव यूज़ करते हैं, ये इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव है। इस एक्सप्लोसिव्स नॉर्मल जो हमारा मिलिट्री लोग यूज़ करते हैं उस एक्सप्लोसिव से अलग होता है। इस टाइप के एक्सप्लोसिव केवल माइंस प्रोडक्शन के लिए ही यूज़ किया जाता है, ये दूसरा काम के यूज़ नहीं होता है। ब्लास्टिंग में कुछ टर्मिनोलॉजी हम लोग जाने। ब्लास्टिंग क्या जो बोलते हैं, ब्लास्ट प्लान, अर्थात जिस जगह पे हमारा ब्लास्ट होगा उसका जो प्लान में, जो कागज़ में हम लोग दिखाते हैं, उस प्लान को बोलते हैं ब्लास्ट प्लान। जिस जगह पे फिजिकली ब्लास्ट हो रहा है उस एरिया को हम लोग बोलते हैं ब्लास्ट एरिया। जो पत्थर उछाल के जाते हैं, जो रॉक फ्लाई करके जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लाई रॉक। ब्लास्ट से पहले आप जानते हैं सायरन बजता है, उसको हम लोग बोलते हैं वार्निंग सिग्नल या प्री ब्लास्ट वार्निंग सिग्नल। ब्लास्ट के बाद एक सायरन और बजता है, जो लंबा ड्यूरेशन का सायरन बजता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑल क्लियर सायरन। अर्थात उस टाइम पे आप अपना रेगुलर वर्क कर सकते हैं। ब्लास्टिंग जो है कंट्रोल वे में एक्सप्लोसिव यूज करके रॉक को ब्रेक किया जाता है, और ये माइनिंग और सिविल इंजीनियरिंग में ज़्यादातर यूज होता है। एक्सप्लोसिव्स जो है, ये जब इनिशिएट करते हैं वो रैपिडली जो है गैस और हाई टेम्परेचर और प्रेशर से विस्फोट होता है। ये एक्सप्लोसिव्स जिसको हम लोग जब इनिशिएट करते हैं, तब उसमें से जो सॉलिड सेमी सॉलिड सिचुएशन में रहते हैं उनमें से गैस फॉर्म हो जाते हैं, और एक बड़ा सा गैस फॉर्म हो करके बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर बिल्डअप करते हैं। ये जो डिटोनेशन प्रोसेस है। अब जब ब्लास्ट होता है, पत्थर उछालता है, अब देख रहे हैं यहाँ पे ये जो शॉर्ट फायर का गाड़ी है, अर्थात ब्लास्टिंग टीम का जो गाड़ी है, इसका हालत क्या हुआ। अगर टाइमली हम लोग इस ब्लास्ट जोन से बाहर नहीं आए तो इस टाइप की हालत हो सकता है। ब्लास्ट से पहले हम लोगों को सारे पर्सनल, जितना भी लोग हैं, लोगों को ब्लास्ट डेंजर जोन जो है उस जोन से बाहर किया जाता है। हमारा जो भी मशीनरीज है उसको ब्लास्ट जोन से बाहर किया जाता है, बाहर करके पार्किंग किया जाता है, जिससे कि हमारा प्रॉपर्टी लॉस नहीं हो, ह्यूमन लॉस नहीं हो।
आप जानते हैं हमारा डिफरेंट डिफरेंट एरिया में जो ब्लास्टिंग टीम का जो गार्ड है, ब्लास्ट गार्ड है, वो आपको रोकते हैं ब्लास्ट से पहले। उसका कारण है आपके खतरा ना हो, उसके लिए उनको सेफ जोन में आपको रोक देते हैं। ब्लास्ट जो करते हैं वो लोग ब्लास्टिंग शेल्टर में जाके ब्लास्ट करते हैं, कंट्रोल और मॉनिटर्ड वे पे। अभी जो लोग ब्लास्टिंग टीम में नहीं है उनको ब्लास्टिंग के इमीडिएट खतरा नहीं है। सिंपल सी दो तीन चीज आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट, फ्लाई रॉक से आपको बचना है, अर्थात आपको सेफली दूर में रहना है। जब ब्लास्टिंग टीम आपको किस एरिया में घुसने मना करे तो आपको वहाँ नहीं जाना है। जो लोग माइनिंग में काम करते हैं, माइंस प्लांट वगैरह में जो काम करते हैं, प्लांट एंड अदर्स एरिया में जो लोग काम करते हैं माइंस में नहीं करते हैं, वो फ्लाई रॉक से बचे। माइनिंग में जो काम करते हैं फ्लाई रॉक से तो बचना ही है। साथ साथ आप किसी भी टाइम पे, ब्लास्टिंग टाइम पे या ब्लास्टिंग के लिए जब लोग काम कर रहे हैं, प्राइम कर रहे हैं या ब्लास्ट फेस तैयार कर रहे हैं, उस टाइम आप ब्लास्ट जोन पे नहीं जाए। आप कम से कम ब्लास्ट फेस से 30 मीटर दूर में ही काम करें। अगर कभी भी आपको ब्लास्ट जोन के पास जाना हो तो अपने पास मोबाइल या मैचेस, गैस लाइटर ये सब ले करके उस एरिया में ना पूछे। ये जरूर उस एरिया से पहले ही आप रख दे आपके पास अगर हो तो। ये सारे चीज़ आपको ध्यान रखना है। ब्लास्ट के बाद जब आप माइंस में जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है जब तक फ्यूम क्लियर नहीं हो तब तक आप ब्लास्ट जोन में ना जाए। आपने जो ब्लास्ट हुआ है उस एरिया को चेक करें, बिना चेक करके उस एरिया में एकदम एस पे आप ना जाए। ये सारे चीज़ हमको ध्यान रखना है। अब अगर वेदर कंडीशन खास करके थंडरिंग हो रहा है तब उस टाइम ब्लास्ट नहीं करना है। ब्लास्टिंग टीम को पता है, ब्लास्टिंग टीम उस हिसाब से काम करते हैं। और आप अगर ब्लास्ट एरिया के आसपास है तो आप ध्यान रखें, उस वेदर खराब हो, अगर कोई चार्ज फेस हो तो जरूर उससे आप दूर जाए, उसमें आप ना पहुंचे। ये आपको ध्यान रखना है। ब्लास्ट से पहले ब्लास्टिंग टीम एक प्री ब्लास्ट मीटिंग करते हैं, जिस मीटिंग में ये लोग डिसाइड करते हैं कितना टाइप और कितना एसएमएस देंगे, क्या चार्ज रहेगा, कौन सा लोग कौन सा एरिया में गार्ड करेंगे, स्टेमिंग प्रोसेस कैसे रहेगा, गैस फ्यूम कैसे कितना बनना जरूरी है, कितना ज़रूरत है इस जगह के लिए, चार्जिंग किस हिसाब से करेंगे, ये प्री ब्लास्ट मीटिंग में डिसाइड करते हैं। आप जानते हैं एक्सप्लोसिव ट्रांसपोर्ट नॉर्मल व्हीकल में नहीं होता है, इसके लिए लाइसेंस्ड एक्सप्लोसिव कैरियर जो व्हीकल है उसी में ही केबल कर सकते हैं। ये प्राइम किया जा रहा है, चार्जिंग किया जा रहा है ब्लास्ट शेल्टर में, यहाँ पे बैठ के ही ब्लास्ट किया जाता है। ब्लास्ट जोन जो है उसके आपको जानते हैं, ब्लास्ट जोन में प्री एरिया में कुछ बोर्ड डिस्प्ले साइन बोर्ड्स लगा रहता है, लोग अब जानते हैं देखते हैं तो उस एरिया में आप नहीं जाएंगे। डिफरेंट जगह में सिग्नल्स दिया हुआ है, डिफरेंट टाइप का ब्लास्ट एरिया उससे दिखाई दे रहा है। ब्लास्टिंग एरिया में जब आप फोटोज वगैरह भी लेते हैं या कुछ जगह में देखते हैं तो आप देखिए ब्लास्टिंग जोन से आपको दूर रहना है। ब्लास्ट से पहले जो प्री ब्लास्ट सायरन दिया जाता है, हमारा केवल मेघातुल में प्रैक्टिस है, पहले फिजिकल वेरिफिकेशन कर लेते हैं, लोगों को फिजिकल वेरिफिकेशन करके जब देखते हैं कोई लोग है नहीं, देन ब्लास्टिंग जो टीम है, ब्लास्ट गार्ड डिफरेंट एरिया से, ब्लास्टिंग जो कंट्रोल रूम में खास करके सायरन में जो बैठ रहते हैं उनसे बात करते हैं, रेडियो में वायरलेस सिस्टम में बात करके क्लियर करते हैं हाँ हमारा एरिया में कोई है नहीं, देन सायरन बजा करके गेट बंद करा के सायरन बजा करके ब्लास्ट करते हैं। ब्लास्ट ख़त्म होने से पहले, ब्लास्ट जब ख़त्म हो जाता है तब ब्लास्ट का जो इंचार्ज है वो ब्लास्टर या फोरमैन या ब्लास्टिंग साइट इंचार्ज जो है उन्होंने इस ब्लास्ट एरिया को पूरा थरोली इंस्पेक्शन करते हैं। कुछ पीरियड में थरोली इंस्पेक्शन के बाद ही ऑल क्लियर सायरन देते हैं। ये आप देख रहे हैं एक ब्लास्ट का फोटो, इसमें आप देख है जो पत्थर उछल रहा है और यहाँ जो फ्यूम्स है अलग अलग कलर के, इस टाइप का जो कलर का फ्यूम्स है, यहाँ नाइट्रस ऑक्सीजन का जो डिफरेंट टाइप का नाइट्रोजन के जो गैसेस बनता है, इस गैसेस में कुछ गैस आपको लिए जहरीला भी हो सकता है, इसीलिए आपको सफिशियंट टाइम दिया जाता है जब तक गैस अपना नेचुरल फॉर्म में ना आ जाए तब तक, और इस फ्यूम्स कम ना हो जाए, डस्ट सेटल ना हो जाए
तब तक ब्लास्ट जोन में एंट्री नहीं होना है, इवन इंस्पेक्शंस के लिए भी एंट्री नहीं करते हैं। आप देख पा रहे हैं ब्लास्टिंग की डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो कैप्चर्स है। फ्लाई रॉक क्यों होता है? फ्लाई रॉक का डैमेज तो आप बहुत ज़्यादा देखे लिए हैं। फ्लाई रॉक क्यों होता है? फ्लाई रॉक होता है जब हम लोग ऑप्टिमम चार्ज नहीं करते हैं, कभी चार्ज ज़्यादा हो गया, देन इस टाइप का कंडीशन में हमारा फ्लाई रॉक हो सकता है। और इसमें डिटेलिंग हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि एमबीटी के लिए सबके लिए उतना डिटेलिंग ज़रूरत नहीं है, बट हमको ब्लास्ट से बचना है। मिस फायर जब होता है तब आप कभी कभी देखते हैं ब्लास्टिंग टीम किसी होल को, जब कोई होल मिस फायर हो जाता है तब उसमें एक रेड झंडा दे करके उस एरिया को घेर देते हैं। अगर इस टाइप का कंडीशन हो, अगर आपको ब्लास्ट फेस में किसी एरिया रेड झंडा से घिरा हुआ हो, इसका मतलब वहाँ पर मिस फायर है। मिस फायर होने पर ब्लास्टिंग टीम उसको ट्रीट करते हैं, ब्लास्टिंग टीम उसको अपना हिसाब से डिफरेंट उसको प्रोसीड्योर्स है, कानून जो प्रोसीड्योर्स है उस हिसाब से मिस फायर को क्लियर करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, आप अगर मिस फायर एरिया देखा है तो उसको 30 मीटर एरिया में आप कोई काम नहीं करेंगे, कम से कम उससे 30 मीटर आपको डिस्टेंस बचा के चलना है। आपको अगर कोई दुविधा है तो ब्लास्टिंग ऑफिसर्स जो है, ब्लास्टिंग फोरमैन जो है, इन लोगों से बात कर सकते हैं। आपका शिफ्ट इंचार्ज के थ्रू, आपके सुपरवाइजर के थ्रू ब्लास्टिंग से पहले जान ले उस एरिया में कोई खतरा है कि नहीं, उसी के बाद ही आप उसके नज़दीक जाएंगे। मिनिमम 30 मीटर आप डिस्टेंस मेंटेन करेंगे ही काम करने के लिए, जब अगर मिसफायर हो। प्री ब्लास्ट इंस्पेक्शन से पोस्ट ब्लास्ट इंस्पेक्शन ये ब्लास्टिंग टीम करते हैं। इसमें कभी भी जैसे आप में से कोई है जियोलॉजी में, जो प्री ब्लास्ट में सैंपलिंग कलेक्शन करने के लिए जाते हैं या पोस्ट ब्लास्ट सैंपल कलेक्शन करने के लिए जाता है, उसमें आपको दो तीन चीज़ ध्यान रखना है। पोस्ट ब्लास्ट में जाना है तो फ्यूम जब तक क्लियर नहीं हो तब तक नहीं जाना है, और साइट पे एकदम नहीं जाना है। अगर आप में से कोई लाइट में लेकर के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट पे काम कर रहा है, लाइट लगाने जा रहे हैं उस एरिया में, तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें एकदम किनारे में जा करके आप काम नहीं करेंगे ब्लास्ट फेस में। देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ग्राउंड फॉल हो सकता है। बड़ी अच्छे से इस वीडियो को देख ले, इस जगह को ये देखिए एक बार और हम बैक करके दिखा रहे हैं। अब अगर जाओ आप एस में जाते हैं तो किस टाइप का कंडीशन हो सकता है, अगर कोई अंडरग्राउंड है तो इस टाइप का फॉल हो सकता है। देखिए आप फॉल करेंगे और उसमें आपके साथ कुछ भी अनसिन हो सकता है, ये आप ध्यान रखेंगे। मिसफायर और एक्सप्लोसिव बर्निंग जो है इसमें आप ध्यान रखें, मिसफायर हो तो उस जगह पे आप 30 मीटर के अंदर काम नहीं करेंगे, केवल ब्लास्टिंग टीम के सलाह लेकर के ही काम करेंगे। तो आप धुआं से बचेंगे, ग्राउंड फॉल होने से बचेंगे और फ्लाई रॉक से बचेंगे। सभी लोगों के लिए ये मिनिमम सुरक्षा चीज ब्लास्टिंग से हम लोगों को देखना है। एक्सप्लोसिव जो है ये कानून नॉर्मल कम्युनिटी नहीं है, आलू प्याज जैसे हम लोग मार्केट से खरीद नहीं सकते एक्सप्लोसिव, ये कंट्रोल्ड यूटिलिटी है, कंट्रोल सामान है। आप एक्सप्लोसिव्स को ध्यान रखें, जो लोग ब्लास्टिंग के साथ जुड़े हुए नहीं हैं वो एक्सप्लोसिव्स कभी भी हाथ ना लगाए, ये आपको जानलेवा साबित हो सकता है। इसके बारे में और भी डिटेल्स की जानकारी चाहिए ज़रूर हमारा ऑफिस में बात करें, हमारा मेल कर सकते हैं rtckiribuon@gmail.com या मेरे को पर्सनली rathin.mining@yahoo.co.in और rathinvishwas@sell.in में आप मेल कर सकते हैं।